हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। अभी मैं 8:30 में उठी हूँ। फाइनली मैंने कॉफ़ी मंगाई है और देखिए समोसा मंगाया है मैंने। ऐसे उन्होंने दिया है मुझे समोसा। यहाँ पे लोग टिश्यू पेपर नहीं यूज़ करते, नेचुरल पेपर यूज़ करते हैं, इट्स न्यूज़पेपर। तो रैपिंग वगैरह भी यहाँ पे ऐसे ही रहती है, तो केले के पत्ते में देंगे या न्यूज़पेपर में रैप करके देंगे। समोसे के अंदर आप देखिए जो इसका आलू है ये ज़्यादा मसाले वाला नहीं रहता है, इसमें एकदम सिंपल रहता है आलू और टेस्ट बहुत अच्छा रहता है। तो गाइस मैं समोसा और अपनी कॉफ़ी लेकर ब्रेकफास्ट ख़त्म कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। प्लीज़ आप लोग 50% वीडियो देखने के बाद ही सब्सक्राइब करें प्लीज़। गाइस वेरी गुड मॉर्निंग, और अब मैं रेडी हो गई हूँ। रेडी होकर अब मैं नीचे जा रही हूँ। मेरा जो रूम है 305 थर्ड फ्लोर पे है, और ऑटो वाले भैया आ चुके हैं, और आने के बाद वो तमिल में पता नहीं क्या बोल रहे थे, इंगे पिंगे, मुझे तो समझ में नहीं आया। बिकॉज इट्स 25 अराउंड 30 किलोमीटर्स अवे है साइट, तो मैं उन्हीं को ही बुला लेती हूँ तो बेटर रहता है। सामान मैंने सारा रख दिया है। गाइस मैं पहुँच गई हूँ, देखिए यू स्टे और यू गो। यहाँ पे कोविड का सर्टिफिकेट चेक हो रहा है, बिकॉज नो वैक्सीनेशन नो इनसाइड अलाउड। सो मैंने अपना सर्टिफिकेट दिखा दिया है, आई हैव टेकन इन दिसंबर, तो ये सर्टिफिकेट है, ये मैंने दिखा दिया है इनको। पीपल्स आर वर्किंग ना, नो वन अलाउड विदाउट वैक्सीनेशन ना। एक्चुअली कल भी मेरे दो पर्सन को वापस कर दिया था इन्होंने, बिकॉज इनके पास वो नहीं था, वैक्सीनेशन नहीं था। सो ये बहुत अब रेस्ट्रिक्शंस हो गई हैं इंडस्ट्रीज में, विदाउट सर्टिफिकेट दे आर नॉट अलाउइंग इन। गाइस सर्टिफिकेट देख लिया इन्होंने मेरा और अंदर अलाउड कर दिया है। गाइस ये फेंसिंग एरिया है और इसके अंदर मैं शूट नहीं कर सकती, और उधर टीम वर्क कर रही है। लेट मी चेक किधर कर रही है। गाइस कोई है ही नहीं यहाँ पे, नो वन इज वर्किंग हेयर। एंड मॉर्निंग में जो सप्लायर था उसने तो बोला था कि टीम हैज गॉन एंड स्टार्टेड वर्किंग, यहाँ पे तो कोई दिख ही नहीं रहा है मुझे। अब उससे बात करनी पड़ेगी, मे बी मुझे लग रहा है वैक्सीनेशन का प्रॉब्लम है, क्योंकि जो ब्रिक्स मैंने उस दिन ऑर्डर की थी और जो ट्रैक्टर चला के आ रहा था ब्रिक्स डिलीवर करने के लिए, तो उसके पास वो नहीं था वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। एक्चुअली मॉर्निंग में जो टीम आई है ना उसका वैक्सीनेशन नहीं था, नॉट सिंगल वैक्सीनेशन। तो अभी जस्ट उनका हेड ऑफ इलेक्ट्रिशियन आ रहा है, उसको मैं अभी काम बता दूंगी क्या क्या करना है। फिर कल मॉर्निंग 7 o'clock वो लोग आएंगे काम करने के लिए, और अभी मैंने ऑटो वाले भैया को रोक के रखा है 1.5 घंटे, बिकॉज उनका 3:30 स्कूल के बच्चे वो लेके जाते हैं। तो उसके पहले मैं निकलूंगी यहाँ से, निकल के फिर मैं होटल जाऊंगी, फिर शाम को गाइज निकलूंगी कुछ मैं एक्सप्लोर न्यू करने के लिए, जो आप लोग को मैं इसमें वीडियो में दिखा पाऊँ। गाइज क्लाइंट के मीटिंग में एक्चुअली जो क्लाइंट का ऑफिस है, जो सर है मिस्टर प्रभाकरन, उनके ऑफिस में मीटिंग चल रही है। तो डिज़ाइन पोल का फाइनलाइज हो गया है। एक्चुअली मैं बात करते हुए आप लोग को नहीं दिखा पा रही, बिकॉज आई एम शूटिंग फ्रॉम दिस फोन। थोड़ी देर में निकलूंगी, जस्ट वो इलेक्ट्रीशियन आ जाए उसको मैं साइड दिखा दूँ। सुबह सप्लायर से बात कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोग से मिलती हूँ गाइज। फिर उसको मैं एक बार साइड दिखा देती हूँ, उसके बाद फिर मैं निकलूंगी यहाँ से। लंच मैं होटल में ही ऑर्डर करूँगी, डायरेक्टली अब होटल जाऊँगी, और शाम को निकलूंगी कुछ स्ट्रीट फूड्स के लिए। तो अभी वो बस आने वाला है। गाइज ऑटो वाला मेरा खड़ा है, गया नहीं है, क्योंकि उसको मैंने बोल दिया था यहाँ पे कोई अवेलेबल नहीं है ट्रांसपोर्टेशन। मैं वेट करती हूँ अभी, थोड़ा अगर लेट होता है तो मैं अंदर जाके बैठूंगी। गाइज वो इलेक्ट्रीशियन से बात हो गई है, सप्लायर ने कॉन कॉल पे लेके बात कर लिया था, बट वो क्या बोल रहा था समझ नहीं आया। वन पर्सन इज कमिंग, शो मी द मैसेज। मैसेज इज ओके ना, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक कर रहे हैं, मैसेज अगर मैसेज होगा तो ही अंदर अलाउड करेंगे, नहीं तो नहीं अलाउ करेंगे। सिर्फ इसको काम देखना है, काम करना नहीं है, फिर भी ये लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं मेरा सर्टिफिकेट। एंड टॉक टू ब्रिक पर्सन ऑल्सो, सो टुमारो ब्रिक विल कम नो मॉर्निंग। ओके गाइज इनको ना अंदर जाने नहीं दिया, और कल 9 बजे इनकी टीम आएगी और सबको सेफ्टी शूज हेलमेट और ये सब पहनना है। विदाउट अलाउड नहीं है, सेकेंड वैक्सीनेशन भी होना चाहिए उनका, विदाउट वैक्सीनेशन अलाउड नहीं है। तो अब मैं साइट पे निकल रही हूँ, निकल के लंच मैं स्विगी से ऑर्डर करूँगी, रूम की भी लेती हूँ, फिर अंदर जाती हूँ। बहुत तेज भूख लग रही है। गाइज अब मैं रूम में आ गई हूँ, आप लोग ने देखा कि क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई मेरी, थोड़ा पर्सनली भी और थोड़ी ऑफिस से रिलेटेड भी। सो अब मैं बस चेंज करूँगी और मैं लंच के लिए बैठ जाऊँगी, बिकॉज बहुत भूख लग रही है, अब रहा नहीं जा रहा है। मैप ओपन करती हूँ, बिकॉज भूख बहुत तेज़ लग रही है, और मैं दिखाती हूँ ये ऐसी पैकिंग में, देखिए को ओपन कर लेंगे।
ये मैंने मिनी छाछ मंगाया था, ये ऐसे पैकेट है, ये बॉक्स एंड वन गुलाब जामुन, पराठा है, सैलड है और ये है चिकन के साथ मुगलाई ग्रेवी है। देख तू टेस्ट कैसा, मेरे मुंह में पानी भी आ रहा है यार, मज़ा आ गया। बाहर जाऊंगी आज रात में, यहाँ की फेमस प्लेस एक्सप्लोर करूंगी। तो मैं अब फिनिश कर लेती हूँ गाइस, फिर मैं आप लोग को बताती हूँ। तो बहुत मज़ा आया, ग्रेवी बहुत अच्छी थी, मुगलाई ग्रेवी बहुत ही ज़्यादा थिक और टेस्टी थी। तो गाइस मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ, तब तक मैं थोड़ा काम कर लेती हूँ। टिल देन आप मेरे वीडियो को देखते रहिए, इंजॉय करते रहिए, सजेशंस देते रहिए। हे गाइस गुड इवनिंग, कैब आ गई है, ऑलरेडी आ चुकी है, नीचे वेट कर रही है। तो आई एम जस्ट गोइंग, मैं आप लोगों को नीचे ही मिलती हूँ। गाइस मैं अमसावली जा रही हूँ रेस्टोरेंट, वहाँ की बिरयानी बहुत फेमस है, बट जो लोकेशन मैंने ओला में डाली है, मे बी अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है, तो मैं आप लोग को अंदर नहीं दिखा पाऊँगी, बाहर से मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। मैं अंदर से दिखाने का मैं ट्राई करूंगी। बट गाइस मैं अमसावली भवन पहुंच गई हूं। व्हाट इज ओके ओके व्हाट इज फेमस इन देयर? ओली बिरयानी, ओली बिरयानी। गाइस मैंने चिली चिकन बिरयानी बोली है अभी इनको, वो थोड़ा सा ग्रेवी के साथ आएगा। हॉट से बनाने में पूरा आधा घंटा निकल गया। चिली चिकन है, चिली नगेट्स है, ये सूप है और ये बिरयानी है। शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। लाइक सब्सक्राइब एक्सप्लोर विद सोनम, एक्सप्लोर विद सोनम, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एक्सप्लोर विद सोनम। गाइस एक फैमिली में के दो बच्चे मिल गए थे, फैमिली के एक छोटा बेटा और छोटी मतलब उससे बड़ी थोड़ी सी बेटी। तो हम लोग थोड़ा शॉर्ट्स बना रहे थे, तो शॉर्ट्स बनाने में ही बहुत ज़्यादा बिजी हो गए कि खाना ऐसे ही रखा रह गया। तो बार बार ये वेटर आ रहे थे बोलने कि मैडम आपका खाना रखा हुआ है ठंडा हो जाएगा। तो मैंने कहा रखा है उसको गर्म कर लाओ। तो फिर उन्होंने खाना गर्म किया, फिर मैंने खाया थोड़ा, मैंने रखवा लिया है ये मैं पार्सल, वहाँ पे मैं होटल में जो दो छोटे बच्चे काम करते हैं मैं उनको दे दूँगी, बिकॉज़ मेरा तो पूरा पेट भर चुका है। और अमसावली बिरयानी यहाँ बहुत फेमस है, मतलब छोटे से बाउल में आपको देंगे पूरा ऊपर तक, मतलब लेयर करके देंगे, पूरा पहाड़ बना देंगे बाउल में बिरयानी का, और उसके ऊपर बीच में एक पीस रख देंगे। तो वो बहुत टेस्टी लगा मुझे। चिली पनीर ऑर्डर किया था मैंने, चिली नगेट्स थे, बहुत ही मज़ा आया। जब कोई मिल जाता है, फन होता है, तो बहुत ही मज़ा आता है। तो जस्ट मैं निकल रही हूँ यहाँ से, आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत लाइन लगी रहती है, टेक अवे बहुत होता है यहाँ पे, जोमेटो स्विगी वाले मतलब खड़े ही रहते हैं रात में 11, 12, 1 बजे। आप लोग कभी आइए तो यहाँ पे ज़रूर घूमिएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मैं आपको बाहर से भी दिखाऊँगी। अमसावली भवन के नाम से है ये, और अमसावली बिरयानी बहुत फेमस है। अमसावली बिरयानी ही सब लोग बोलते हैं कि अच्छा अमसावली बिरयानी गए हो क्या। तो अमसावली भवन के नाम से है ये रेस्टोरेंट, मुझे तो बहुत पसंद आया। दो तीन मतलब फ्लोर्स हैं, मैं एसी वाले में ऊपर बैठी थी। तो अब मैं निकलूँगी गाइज यहाँ से, मैं निकल के आप लोग को मिलती हूँ। गाइज अब मैं निकल रही हूँ यहाँ से, कैब आ गई है, सो जस्ट 15-20 मिनट में होटल पहुँच जाऊँगी। मैं थोड़ा ऑफिस का काम करूँगी, कल मॉर्निंग फिर साइट पर निकलना है। सो गाइज मैं निकलती हूँ, खाना बहुत टेस्टी था, इंजॉय किया मैंने, और एक फैमिली मिल गई थी तो बहुत इंजॉय किया, मज़ा आ गया। तो बस मैं निकल रही हूँ यहाँ से गाइज, टेक केयर आप लोग भी, होटल पहुँच के मैं आप लोग से मिलती हूँ। अब मैं आ गई हूँ रूम में, और इवनिंग बहुत ही मज़ेदार रही, मज़ा आ गया। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे इतना अच्छा लगेगा। एक्चुअली मैं शाम को लेट गई थी, तो मेरा मन नहीं हो रहा था कहीं जाने का, तो मैंने कहा नहीं चलो चलते हैं, होटल में बैठ के भी क्या करेंगे। तो मैं गई, बहुत मज़ा आया। आप लोग भी डिनर कर लीजिए, काफ़ी लेट हो गया है, 11 बजने वाला है रात में, और मैं कुछ काम करूँगी और मॉर्निंग फिर मैं रेडी हो जाऊँगी साइट पर जाने के लिए। मैं आप लोगों से कल मिलती हूँ, टिल देन गुड नाइट, टेक केयर।